हेलो फ्रेंड्स, निर्मल स्वाद किचन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए खोए के पेड़ से बनने वाले पेड़े की रेसिपी लेकर आए हैं। पेड़े हम सभी को खाने में बहुत अच्छी लगती हैं। इसके लिए हमने गैस पर 1 लीटर दूध लिया है, उसको हमने कढ़ाई में डाल दिया है। साथ में हमने बीच में एक कटोरी डाली है। कटोरी का जो सीक्रेट है, हम पहले भी आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर कर चुके हैं। इस प्रकार से कटोरी दूध के बॉयल हो तो ये दूध के अंदर डालने से जो दूध है वो कढ़ाई से जल्दी बाहर नहीं आता है, क्योंकि दूध का स्वभाव तो आप सभी जानती हैं, नज़र हटी दुर्घटना घटी। जैसे ही दूध से हमारी निगाह साइड होती है तो दूध कढ़ाई से या फिर कुकर से जब हम नॉर्मली बॉयल करते हैं तो बाहर आ जाता है। तो उसी सीक्रेट के साथ हम इसको बनाने वाले हैं। जब तक हमारा दूध पककर 1/2 लीटर हो जाता है, उसके बाद हम कटोरी को इस प्रकार से बाहर निकाल देंगे और दूध को लगातार बीच बीच में चलाते रहेंगे। जो खोया है, खोया हम जब कभी भी दूध से निकाल कर तैयार करें तो तेज गैस पर ही बनाएं। तेज गैस पर बनाने से खोया बिल्कुल वाइट बनकर तैयार होता है और जो लो फ्लेम पर हम खोए को बनाकर तैयार करते हैं उस खोए का कलर थोड़ा ब्राउन हो जाता है। ये भी एक सीक्रेट है। अगर आपको वाइट खोया बनाना है तब आप तेज गैस पर खोए को बनाएं, और रेड कलर का ब्राउन खोया अगर आप बनाना चाहते हैं तो वो हम उसे लो गैस पर भी बना सकते हैं। 300 ग्राम के आसपास रह जाए तब हमने इसको लगातार चलाते रहना है। इस स्टेप पर अगर फ्लेम आपकी बहुत ज़्यादा है तो आप उसको थोड़ा कम भी कर सकते हैं, क्योंकि खोए के जलने का डर रहता है और खोए में हल्की हल्की जब दूध जल जाता है तो खोए में हल्की हल्की स्मेल आने लगती है। इस प्रकार हम लगातार इसको चलाते रहेंगे। लगातार चलाते हुए जो साइड में चारों ओर चिपकी हुई जो दूध की मलाई होती है उसको भी हम धीरे धीरे बीच बीच में इस प्रकार से हटाते रहेंगे। कंटिन्यू चलाते ही जैसे जैसे हम इसको चलाते रहेंगे ये पकता ही चला जाएगा और गाढ़ा हो जाएगा। जब ये इस स्टेप पर आ जाए हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस प्रकार कढ़ाई में चारों ओर खोए को लगा देंगे। ये हमारा परफेक्ट खोया बनकर तैयार हो गया है। आप चाहें तो बाजार का खोया भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस खोए से हम पेड़े बनाकर तैयार करते हैं। पेड़े जो होते हैं थोड़े ब्राउन कलर के होते हैं, तो इसलिए हमने जो खोया बनाकर तैयार किया है उसको हमने इस प्रकार से कढ़ाई में डाल लिया है। आप चाहें तो मार्केट के खोए से भी बना सकते हैं। इस प्रकार लो फ्लेम पर हम इसे 2 से 3 मिनट तक इस प्रकार भून लेंगे। जो वाइट खोया होता है जब हम इसको कढ़ाई में डालते हैं, कढ़ाई में डालने के बाद ये एक बार के वो बहुत पतला हो जाता है और फिर टाइट होना शुरू हो जाता है। हम इसको लाइट ब्राउन होने तक भूनेंगे, क्योंकि हम इससे पेड़े बनाने वाले हैं। अगर हम गुलाब जामुन बनाएंगे तो गुलाब जामुन के लिए जो सिंपल वाइट वाला खोया होता है उसी से बनकर तैयार हो जाते हैं। आप देख सकते हैं खोया काफ़ी ब्राउन हो गया है, थोड़ा जो पेड़े का परफेक्ट कलर होता है वो इसमें आ गया है। इस स्टेप पर हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और जो ये खोया है इसको कढ़ाई में चारों साइड फैला देंगे। 1 किलो दूध में, फुल क्रीम दूध में करीब 200 ग्राम के आसपास खोया बनकर तैयार होता है। साथ ही हम इसमें 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड कर देंगे, क्योंकि जो पेड़े होते हैं उसमें जो इलायची का फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आता है, जो इसके टेस्ट को 2 गुना कर देता है। जब खोया बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद हम इसके पेड़े बनाकर तैयार करेंगे। अगर आप स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आप घर में परफेक्ट मावा निकाल सकते हैं और साथ में उसे पेड़े बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब इस प्रकार से हम अपनी हथेली की हेल्प से खोए को इकसार कर लेंगे, इसको बिल्कुल चिकना कर लेंगे। उसके बाद 200 ग्राम हमारा वेट में जो खोया है वो 1 kg दूध से, फुल क्रीम दूध से 200 ग्राम खोया बनकर तैयार हुआ है। उसके लिए हम यहाँ पर शुगर पाउडर यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हमने बूरा का यूज़ किया है, जिसको तगार भी हम बोलते हैं। 200 ग्राम खोए में हमने 100 ग्राम यानी कि 1/2 कप बूरा ली है। उसके बाद स्पून की हेल्प से हम पेड़े बनाकर तैयार करेंगे। हम 1 स्पून लेंगे या फिर आप गोल वाली जो प्लास्टिक स्पून होती है वो भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग अगर हम पेड़े बनाएंगे इस प्रकार से, हम ये 1 स्पून ये जो मिक्सचर लिया है उसको लेंगे और इस प्रकार से अगर हम पेड़े बनाएंगे तो परफेक्ट इक्वल शेप के पेड़े बनकर तैयार होंगे, जो दिखने में भी अच्छे लगेंगे। इस प्रकार से आप किसी भी शेप में पेड़े को बना सकते हैं। इसके ऊपर आप छोटी इलायची के बीज या फिर बादाम को, बिरगिरी को आधा कट करके भी लगा सकते हैं। मैं आप इस तरह आप
सब पेड़े को इक्वल बनाकर तैयार कर सकती हैं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आप परफेक्ट पेड़े बनाकर अपने घर में तैयार कर सकती हैं। पेड़े बनाने में अगर आपको तब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें लिखकर बता सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसी ही रेसिपी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।